कहाँ सेल कंपनी का स्टॉक का भाव 200 रुपीज पहुंचना था, यहाँ पर 30% से भी ज्यादा गिरावट, जो मार्केट के लिए एक नेगेटिव साइन है। यहाँ पर देखा जाए तो बेयरिश मारुबुधु कैंडलस्टिक पैटर्न और लगातार से दोस्तों बेयरिश सिग्नल। तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है, स्टॉक में ट्रेड ना लेना ही दोस्तों फायदेमंद है। यहाँ पर देखो दोस्तों स्टॉक का अगर दोस्तों प्राइस देखा जाए ना दोस्तों, तो प्राइस तो देख ही सकते हो, पर यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज क्या बता रहा है। अगर मूविंग एवरेज की तरफ से भी दोस्तों देखा जाए ना, तो दोनों एक से तरीके से दोस्तों रिएक्ट कर रहे हैं कि दोस्तों सामने एक डेथ क्रॉस ही बन सकता है, ठीक है। पर आपका क्या राय है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंपनी का स्टॉक का, कमेंट करके बताना। पर मैं आपको यही कहूँगा कि इसमें ट्रेड लेके स्विंग ट्रेडिंग का सोचना भी मत दोस्तों। पर कमेंट करना ज़रूर कि क्या आप भी इसका शेयर होल्डर हो कि नहीं दोस्तों।